Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing set theory and this is a lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. In this lecture, we will discuss about the miscellaneous problems. So, agar aapne pehle sare video nahi dekhe hain, to miscellaneous ki questions aapko samajh nahi aayenge. Isliye aapse guzarish hai ki pehle aap wo sare video dekhe jisme basic concepts discuss kiye gaye hain. उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखें. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें हैं और हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो बिना किसी देरी के, बिना किसी और भूमिका के हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिसाइड अमोंग विच ऑफ द सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर. तो ये पहले हमें इसे सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन क्या है. तो लिखा है कि एक सच दैट एक्स बिलोंग इन टू आर एक सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू. ये इस क्वेश्चन में है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू, ये स्क्वायर है. तो क्या होगा इसका, पहले हम एक सोल्यूशन निकालें. तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व, ये फैक्टर होंगे. क्या होंगे, तो ये होंगे सिक्स और टू. तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स माइनस टू दो फैक्टर हो जाएंगे. इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू टू एंड सिक्स. सो ए के एलिमेंट हो गए टू और सिक्स, बी के एलिमेंट है टू और सिक्स बी में है. सो देयरफॉर क्लियरली अब हम कह सकते हैं क्लियरली ए के सारे एलिमेंट बी में है. तो ए इज सबसेट ऑफ बी, एक हो गया. ए इज सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, ए इज सबसेट ऑफ सी ऑल्सो, क्योंकि टू और फोर सी में भी है, डी में नहीं है. तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी, लेकिन ए और सी सबसेट है. ठीक है, सो इस तरीके से ए इज सबसेट ऑफ सी ऑल्सो. तो ये भी है कि ए बी का सी का सबसेट है. और अब देखें कि B के 2, 4, 6 इसमें है C में, तो B इज सबसेट ऑफ C ऑल्सो. एंड 6 किस में है, 6 इसमें भी है. तो D इज सबसेट ऑफ B ऑल्सो, D इज सबसेट ऑफ B एंड D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C, D इज सबसेट ऑफ C ऑल्सो. ठीक है ना, और B सबसेट ऑफ C है ही है. और 2 और 4 जो है और कहीं नहीं है. तो ये सारे इसके आंसर्स होंगे, आप क्लियरली ये सब चीजें समझ सकते हैं. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो ये सब आंसर हो गए, एक ये सबसेट है, दूसरा ये सबसेट है, तीसरा ये सबसेट है, चौथा ये सबसेट है, पांचवा ये सबसेट है, सिक्स इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ए में नहीं है, ए के भी है. तो डी इज सबसेट ऑफ ए ऑल्सो, डी इज सबसेट ऑफ ए क्योंकि सिक्स इसमें भी है. तो ये सारे के सारे सबसेट हो गए, वन टू थ्री फोर, ये सारे आंसर हो गए. अगला सवाल देखते हैं. ये लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल. तो यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल और एग्जांपल के जरिए समझते हैं. ए इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. चलिए हम ए के मान लेते हैं कि यही एक एलिमेंट है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है. ठीक है जी, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए हो गया. अब ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो सेट बी एक ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई ये पूरी की पूरी सेट एक मेंबर होगी. और यहाँ पी और क्यू ये भी मान लेते हैं कि ये सारे एक्स के एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या एक्स बी का एलिमेंट है. एक्स अकेले बी का एलिमेंट नहीं है, एक्स वाई एलिमेंट है, पूरा ये सेट एलिमेंट है. सिंस ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो पूरा सेट ही एलिमेंट है, एक्स अकेले इसकी कोई हैसियत नहीं है. सो हियर एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, एक्स डज नॉट बिलोंग इन टू बी, अकेले नहीं बिलोंग कर रहा है, एंड देयर फोर दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये फॉल्स लिखा हुआ है. ठीक है, दूसरा देखें, ये लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज मेंबर ऑफ सी. तो ए के हम मेंबर मान लेते हैं वन टू, ऐसा कुछ मान लिया. बी मान लेते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसा कुछ. और सी जो है वो क्या है,
सी एक सेट मान लेते हैं जिसमें है आपको 1 2 3, ये बी पूरा मेंबर है और 4 और 5 भी है। अब आपको बताना है कि ए इज मेंबर ऑफ सी, क्या 1 2 मेंबर है? जी नहीं, 1 2 3 पूरे मेंबर होंगे, अकेले 1 2 नहीं होगा। सो क्लियरली क्लियरली ए इज नॉट मेंबर ऑफ सी, ए इज डज नॉट बिलोंग टू सी, एंड देयर फॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। पूरा का पूरा 1 2 3 होगा मेंबर, लेकिन अकेले 1 2 नहीं होगा। यहां पे लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहां पे आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं कि लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी ए, दिस इंप्लॉई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लॉई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी ऑल्सो सिंस बी इज सबसेट ऑफ सी, और एक्स में है ए का एलिमेंट और सी में भी है, दिस इंप्लॉई एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए विच एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये हो गया आंसर, ये प्रूव हो गया, ये ट्रू है, ट्रू, ठीक है, प्रूव कर दिया। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसमें है तो उसमें भी होगा, इस तरीके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन एक्स ए इज नॉट ए सबसेट। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एक सेट है जिसमें है 1 2 और बी एक सेट है जिसमें है 2 3, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है इसलिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है तो ए में हो सकता है कि सी एक सेट मान सकते हैं हम जिसमें है 1 2 3। अब यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट 1 3 1 2 4 ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, ये मान लेते हैं कि ये 4 है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, लेकिन ए तो ए के सारे एलिमेंट सी में है ना, तो ये चीज कहना हेयर क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ये लिखा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, है ना, क्योंकि 2 3 इसमें नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में है, तो ये हो भी सकता है, नेसेसरली नहीं है कि ये फॉल्स ही हो, ट्रू ही हो, ये फॉल्स है, हमेशा ये सबसेट नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, ये हो भी सकता है, इसलिए जो कह रहा है कि सबसेट नहीं होगा ये फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन में है ये देखिए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। चलिए इसमें भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2। अब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो बी में हो सकता है कि एलिमेंट हो 2 3। अब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लॉय एक्स बिलोंग टू बी। अब यहाँ एक्स के जगह पे 1 हमने ले लिया, ठीक है, एक्स अगर 1 है मान लेते हैं तो एक्स बिलोंग इंटू ए, अब हो गया यहाँ पे एक्स ए में है और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, वो भी है। अब क्या 1 जो है वो बी में है? नहीं है, ये भी नहीं है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी यानी ए की जगह पे, फिर वही एग्जांपल ले लेता हूँ बार बार, कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पे लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग इनटू बी और बी एक सेट मान लेते हैं कि यह है 1 2 3 ऐसा कुछ, तो 3 बी में नहीं है। अब 3 ए में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, 3 बी में नहीं है तो 3 ए में भी नहीं है, 4 बी में नहीं है तो 4 ए में भी नहीं है, ये ट्रू होगा। हेयर 3 ई डज नॉट बिलोंग इनटू 4 डज नॉट बिलोंग इनटू बी, 4 डज नॉट बिलोंग इनटू ए, ये सही है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे 4, 4 बी में नहीं है तो 4 ए में भी नहीं होगा, इस तरह का से 4 डज नॉट बिलोंग इनटू बी,
दिस एम्प्लॉय 4 डज नॉट बिलोंग इन टू ए, क्योंकि अगर ए में होता तो बी में होता ही होता, तो जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं है, तो दिस इज ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आप कोई एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं, एक्स वाई के टर्म्स में भी इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को ज्यादा सूट करता है, ज्यादा मजा आता है इस तरीके से करने में, और नंबर कहीं कटते नहीं है, चाहे ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए। अब एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ए बी सी बी थ्री सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कि बी इज इक्वल टू सी है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी। यही क्वालिटी ऑफ सेट थ्योरी है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू बी कहते हैं। तो यहाँ बी के सारे एलिमेंट अगर सी में है तो बी इज सबसेट ऑफ सी, सी के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब सी इज सबसेट ऑफ बी, ये तभी होगा जब दोनों में बराबर एलिमेंट होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम शुरुआत करते हैं और सॉल्यूशन में यहां से लिखते हैं सीज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एक सीज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है हमें। दिस एम्प्लॉय एक सीज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में तो दोनों के एलिमेंट होते हैं, तो बी के हैं तो ए यूनियन बी में होंगे। दिस एम्प्लॉय एक सीज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी सीज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। इसका मतलब हुआ कि एक सीज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक सीज एन एलिमेंट ऑफ सी, यूनियन का मतलब और होता है। अब दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एक सीज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक सीज एन एलिमेंट ऑफ बी यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है, तो एक्स मस्ट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों में है, बी में भी है ए में भी है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में होगा। इसका मतलब हुआ कि x belong into a intersection c also, since a intersection b is equal to a intersection c दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये आ गया x belong into a and x belong into c। यहाँ पे x b में भी है और x c में भी है, इसका मतलब b is a subset of c, so this employee b is a subset of c। similarly प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि बी सी इज सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, इसी तरह से सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, सिमिलरली आप कर सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ बी एंड देयर फोर बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्रूफ आप कर सकते हैं इसको खुद इसी तरह से लेके जैसे हमने किया है, ठीक है। दूसरा केस भी ले सकते हैं कि एक सी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी में भी है और सी में भी है, तो बी सबसेट ऑफ सी ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, चाहे पहला केस लेते हो तब चाहे दूसरा केस लेते हो तब, तो ये प्रूफ हो जाएगा आराम से। पहला केस लिया तब भी हमने दिखा दिया कि बी इज सबसेट ऑफ सी, दूसरा केस लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इज सबसेट बिलोंग टू सी, एक्स बिलोंग टू बी एक्स बिलोंग टू सी, इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ सी। तो इस तरह से बी सबसेट ऑफ सी हो गया। हम ऐसे ही सी का अब एलिमेंट्स लेकर के अब प्रूफ कर सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ बी, और चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसलिए दोनों इक्वल है। ये करना नहीं होता, ये सिमिलरली लिख देना होता है, ठीक है ना, तो आप लिख ही देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या। सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है, तो इसमें प्रूफ करते हैं पहला और दूसरे को इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है, कि वन इज इक्विवेलेंट टू टू, ऐसा हम लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, पूरा न लिखने के बजाय ऐसे लिख देता हूं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स ए में है, तो इसका मतलब है कि एक्स बी में भी है ना, एक्स सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए अगर ए में है तो बी में भी होगा। तब ए माइनस बी में क्या होगा, ए माइनस बी में क्या होगा, ए में है और बी में भी है, तो बी के एलिमेंट्स को निकाल लेने पे दिस एम्प्लॉय ए माइनस बी, बी के एलिमेंट को निकाल लेने के बाद फाइव बचेगा, तो ये हो गया प्रूफ कि बी में भी है और बी के एलिमेंट्स ए में से निकाल लेंगे तो फाइव बचेगा, तो इसलिए हो गया ये दो सेकेंड। तो हमने ए सबसेट ऑफ बी लिया, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां से शुरुआत किया
और ये दिखा दिया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। अगर मान लेते हैं कि ए माइनस बी एक्स ए में है और बी में नहीं है, दूसरा केस ले लेते हैं कि इफ एक्स बिलोंग इन टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग इन टू बी, तो उस केस में क्या होगा कि ए के हैं और बी में नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी है तो एक्स ए में है, इसका मतलब बी में भी होगा। जो ए में है वो सारे बी में भी है, और ए में से बी का एलिमेंट निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, फाइव, तो इसलिए फाइव होगा। दूसरा हम ये प्रूफ करते हैं कि सेकेंड वन के बराबर है, ठीक है। तो सेकेंड वन, सेकेंड से वन कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सेकेंड इक्वल वन, ये कैसे, तो ए माइनस बी इज इक्वल है, यहां से प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव नहीं है, चाहे ऐसे लिख देते हैं कि एक्स बिलोंगिंग टू, उसमें लिखते हैं लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए, देन क्लियरली एक्स बिलोंगिंग टू बी। इफ क्यों, ऐसा क्यों होगा, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग इन टू बी, बी में नहीं होगा, दिस इंप्लॉय ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। एक्स ए में है और बी में नहीं अगर हुआ, तो ए में से बी का अगर एलिमेंट नहीं निकल रहा है तो ए माइनस बी फाइव कैसे बचेगा। एक्स ए में है और बी में भी होना चाहिए, तभी बी के सारे एलिमेंट निकलने के बाद फाइव बचेगा ना। अगर बी में नहीं है तो ए में से एक्स रह जाएगा, बी में नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, तो एक्स में ए रह जाएगा, तो ए माइनस बी फाइव के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए एक्स ए में है तो एक्स बी में भी है, इसलिए एक्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लॉई ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये आ गया पहला, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया पहला। तो दूसरे से शुरुआत किए, पहला आ गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब वन इक्विवेलेंट टू थ्री हम दिखा देते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट वन इज इक्विवेलेंट टू थ्री, तो वन से लेके थ्री तक। इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए में क्या है, प्रोसीड करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हियर गिवन वन में, और प्रूफ करना है हमें क्या, टू प्रूव दैट, हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट क्या, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी थर्ड है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब ये कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए तरीका क्या होता है कि अगर किसी को इक्वल प्रूफ करना, तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये जैसे ही हम प्रूफ करेंगे तो बात बन जाएगी। तो प्रूफ करते हैं, चलो लिखते हैं, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये मान लिया, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लॉय एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अब केस फर्स्ट ले लेते हैं कि एक्स, व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी में है तो एक्स ए का एलिमेंट है यहाँ पे, और ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए में है तो बी भी होके रहेगा, इसका मतलब ये बी में है, एक्स बी में भी है, एक्स ए में भी है, दोनों में है, तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, है ना, एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, और एक्स ए यूनियन बी में होगा चूंकि ये बी में है, यहाँ पे ए यूनियन बी में हमने कहा है वो बी में भी है, यानी जो भी एक्स ए यूनियन बी में है वो सारा का सारा बी में भी है, इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या है कि एक्स ए में है और एक्स बी में है, केस टू, केस टू ये हो गया कि एक्स बिलोंग इन टू बी, एक्स बिलोंग इन टू बी, अगर एक्स बी में हो तो क्या होगा, तो एक्स बी में है और ए यूनियन बी में भी है, वो सारा का सारा बी में भी है, ध्यान से देखिए, ये जितना है ए में उतना है बी में, इसका मतलब है कि बी में जितना भी चीज है वो ए यूनियन बी में भी है, तो एक्स बी में है और एक्स बिलोंग इन टू ए यूनियन बी, इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि
दोनों ए इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही है थर्ड। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट से हमने शुरुआत किया, थर्ड हमने प्रूफ कर दिया। अब उसी तरह से थर्ड को वन प्रूफ करना है। मतलब क्या है कि थर्ड में दिया हुआ है कि यहाँ देखें, थर्ड से वन प्रूफ करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिवेन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिवेन है। ठीक है, टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूफ करना है। तो गिवेन ये है और प्रूफ ये कर, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, होता है ए यूनियन बी का सबसेट होता है, तो एक्स ए में है तो ए यूनियन बी में पक्का, एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सिंस ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी की जगह पे, अब ए में भी है, एक्स ए में था और एक्स बी में भी है, यानी जितने एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे के सारे बी में भी है, एंड देयर फोर क्या कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रूव हो गया, ये पहला था, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगला जो है 1 to 4 और 4 to 1 का, गिवेन है ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड टू प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इससे ये प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, है ना, तो यहां भी प्रूफ ही करना है, सो वी कैन गो अहेड विद दिस। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट ए इज, वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लॉय एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, चाहे चूंकि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो हमें ए में शुरुआत करना चाहिए, एक मिनट ऐसे लिखो, लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लॉय एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, बोलिए, और अगर बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी है बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन बी में हो, और ए इंटरसेक्शन बी में होगा, इसका मतलब ए में जो कुछ भी है वो सारे के सारे ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलिए, हो गया। इसी तरह से हम अब फिर दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में ये में होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर लिख सकते हैं हम कि लेट एक्स बी एन, दूसरा कोई तरीका कि लेट वाई बी एन एलिमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, वाई बी एन एलिमेंट ऑफ ए, ए ए से हमने प्रूफ किया है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ कि वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी, केस फर्स्ट ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई ए का एलिमेंट है और यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी का माना है, तो इसका मतलब हुआ कि वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी के उस सारे एलिमेंट बी में भी है, ए इंटर बी, ये आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा कि ए में है तो इसका मतलब है कि ए का भी सबसेट हो गया, इसके सारे एलिमेंट अगर ए में है तो इसका मतलब है कि ए का भी ये सबसेट हो गया, ये भी कह सकते हैं, बी का सबसेट तो है ही, ए का भी सब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही, अगर ये ए में है तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, केस टू ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, केस टू में कि अगर वाई बी में है, वाई बी में है ना, तो वाई बी में है तब क्या होगा, तो वाई बी में है तो ए इंटरसेक्शन वाई, ए इंटरसेक्शन बी में भी है और वाई बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, तब भी ये हो जाएगा कि ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, किसी को भी, चारों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया, ये कैसे जोड़ेंगे,
कि बी इज ऑलवेज सबसे इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, तो बी में अगर होता है तो इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, और बी में है इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी और ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। हर हालत में इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए होता है, इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी भी होता है, तो ये भी होता है, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए कि ये ए सबसेट है इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, दोनों ही बराबर हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं और करते हैं, अब सॉल्यूशन इसका करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं ये, और ये लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, और टू प्रूव दैट ये गिवन है, आप इसको गिवन लिख सकते हैं। टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस, देते हैं कि लेट x इज ए मेंबर ऑफ c माइनस, x डज नॉट बिलोंग इनटू b, दिस इंप्लॉय x बिलोंग इनटू c एंड x, अब b में ही नहीं है तो a में कहां से होगा, a इज सबसेट ऑफ b है ये दिया हुआ है, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू c माइनस a, ये हुआ। अब ये c माइनस बी में जो है वो c माइनस ए में भी है, एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। तो पहले लिखते हैं कि लेट a बी एनी सेट देन A is an element of member, since a set is an element of a set is power set हर एक set, तो इसलिए ये हो गया कि A is an element of P है, तो इस this employee A is an element of PB also, क्योंकि since PA is equal to PB दिया हुआ है, PA is equal to PB given है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज, अगर इसका ये मेंबर है तो इसका मतलब है कि सेट, ये सेट है ना, सेट मेंबर है, इसका मतलब क्या है कि इट इज ए सबसेट ऑफ बी, सिंस ए इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, तो इसलिए ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली बी वी कैन सो बी सबसेट ऑफ ए एंड देयर फोर ए इज इक्वल टू बी, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 और a इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा कुछ ले लिया, तो पावर सेट ऑफ a क्या होगा, होगा 1 2 3, यहाँ पे a यूनियन b होगा 1 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया हमने, a यूनियन b इज 1 2, अब पावर सेट ऑफ a लिखेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा 5 1 2 और 1 2, है ना। पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 5 और 2 और 3 और 2 3, है ना, तो ये हो गया 3, ये एक सेट हो गया। अब इसका यूनियन करेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करेंगे तो कॉमन 1 मिलेगा, और 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, और 1 2 लिखेंगे और 1 2 3 लिखेंगे, 2 3 यहाँ पे एक छूट गया है। ठीक है, ये हो गया, एक छूट गया है, 2 3 छूट गया, ये लिख देता हूँ 2 3, ये। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, उसमें आएगा 1, ठीक है, उसमें आएगा 2, उसमें आएगा 3, उसमें आएगा 1 2,
उसमें आएगा 1 3, उसमें आएगा 2 3, उसमें आएगा 1 2 3 और उसमें आएगा 5। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है जबकि इसमें 8 एलिमेंट है, तो दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो क्लियरली लिख सकते हैं पी ए नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, पावर सेट ऑफ बी, दैट्स इज, ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक सो आप समझ में आ गया। आपको ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बताया आपको, और आपने इसको अच्छी तरह से समझा भी और किया भी, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार से सेट थ्योरी का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। जेई के लिए अलग से क्लास होती है, उसमें अलग से लेक्चर्स में और ट्रिकी चीज़ें और जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसकी डिस्कशन होगी। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन एज वेल। ये वीडियो अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।